हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश लेसन 10 द हिल टॉप टेम्पल, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है, उसको मैं लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट करके और इसके क्वेश्चन आंसर को बड़े ही सरल ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन आंसर याद करने और पोयम को समझने में आपको बेहद आसानी होगी। पोयम के समझने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे परीक्षा उपयोगी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब यदि आपने लेसन फर्स्ट से लेकर के लेसन 9 तक के वीडियो नहीं देखे तो मेरे वीडियो में जा कर के आप यूट्यूब में विनोद कुमार तिवारी मैहर डाल दीजिए और वीडियोज में जा कर के मेरे पूरे वीडियो देख लीजिए और अपनी क्लास के अनुसार और लेसन के अनुसार आप उनके क्वेश्चन आंसर और लेसन को समझ सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टडिंग द poem, it will be better for us we learn the about the poem. इस poem के बारे में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। Let's start reading about the poem. The poem describes a temple built on the top of a हिल। इस पोयम में पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई मंदिर का सुंदर वर्णन किया गया है। पहाड़ी की चोटी में बनी हुई एक मंदिर का इस पोयम में वर्णन किया गया है। टू रीच इट वन हैज टू क्लाइम न्यूमरस स्टेप, न्यूमरस मीन्स होता है अनगिनत, क्लाइम मीन्स चढ़ना। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए सबको अनगिनत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तब कहीं जा कर के मंदिर पे पहुँच सकते हैं। Only those who are pure in heart dare climb the heights, जिनके आत्मा पवित्र है, भाव पवित्र होते हैं, वही इतनी ऊंचाइयों पर पहुँच पाता है और मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन कर पाता है। कौन कर पाता है, कौन चढ़ पाता है इतनी ऊंचाई पर, जिनके भाव पवित्र है, जिनकी आत्मा में कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है, मतलब पवित्र आत्मा वाला ही व्यक्ति उस ऊंचाई पर जाकर के ईश्वर के दर्शन कर पाता है। द पोएट फाइंड्स द लोनलीनेस द एटमॉस्फियर ऑफ द टेम्पल कंड्यूसिव टू अचीव स्पिरिचुअल हाइट्स, कवि कहता है कि यहाँ का एकाकीपन और यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, माहौल है, वातावरण है, वह ईश्वर का भजन करने के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए इस ऊंचाई पर आकर के मंदिर में अध्यात्म को पूजा पाठ करने के लिए यहाँ का माहौल बड़ा ही अनुकूल है, बहुत ही प्रभावशाली है और आध्यात्मिक ऊंचाई तक जाने के लिए यह स्थान बड़ा कंड्यूसिव है, उपयुक्त है। ही कंसीडर्स इट वाइज टू सेट द गॉडेस इन सच अ लोफ्टी प्लेस बियॉन्ड वर्ल्डलीनेस, कवि कहता है कि संसार की भागम भार भीड़ भार शोरगुल वाली दुनिया से दूर इस ऊंचाई पर जिस किसी ने मंदिर बना करके देवी की प्रतिमा को विराजमान किया है, वो बड़े ही बुद्धिमान रहे होंगे। द डेटी एम्बॉडीज ऑल दैट इज प्योर एंड वर्चुअस, ये प्रतिमा जो है पूर्ण रूपेण से शुद्ध है और पवित्र है, यह पवित्रता और शुद्धता का जीता जागता प्रतिमान है, प्रतिबिंब है यह देवी की प्रतिमा। एवरी ह्यूमन बॉडी
enshrines inside it the spark of the infinite. प्रत्येक जीव में, प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा का निवास होता है. हर जीवात्मा में आत्मा होती है और आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, अर्थात ईश्वर का निवास सभी सजीवों के आत्मा में रहता है. तो मनुष्य के भी आत्मा में परमात्मा का निवास होता है. तो यही कभी कहता है कि एवरी ह्यूमन बॉडी, प्रत्येक मानव में, इनश्राइन इनसाइड इट द स्पार्क ऑफ द इनफाइनाइट, उस परमपिता परमात्मा की ज्योति हर आत्मा में जलती रहती है. तो हमने अबाउट द पोयम को पढ़ा, अब हम लाइन बाय लाइन इस पोयम का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं. आप पोयम को ध्यान से सुनिएगा और लाइन बाय लाइन देखिएगा क्या लिखा है इस पोयम में. आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर आई सा अपॉन अर्थ हेड ब्रिलियंट विथ सन द इमोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन इन अ लोनलेस ऑफ मेडिटेटिंग एयर. यह कविता परीक्षा की दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है. इसकी चार लाइनें पेपर में आया करती हैं, इसलिए आप कविता का नाम और कवि का नाम जरूर याद कर लीजिए. कविता का नाम क्या है, पोयम का नाम क्या है, द हिल टॉप टेम्पल, और पोएट का नाम क्या है, श्री अरबिंदो. आप इसको याद कर लीजिए. और चार लाइनें परीक्षा में आती हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि किस पोयम की हैं, ठीक है. आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर, अनगिनत सीढ़ियों चढ़ने के बाद पहाड़ी की चोटी में, जहां सूरज दैदीप्यमान होता है, स्पष्ट रूप से सूरज की रोशनी पड़ती रहती है. मैंने एक मंदिर को देखा जहां आध्यात्मिक शांति पाने के लिए बेहद अनुकूल वातावरण है, एकांत है वहां, और भजन करने के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है. अर्थात कवि कहता है कि अनगिनत सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कोई व्यक्ति पहाड़ी पर विराजमान मंदिर में बैठी हुई देवी की प्रतिमा का दर्शन कर पाता है, और वहाँ पहुँचने पर देखता है कि वहाँ का जो वातावरण है भजन संध्या आध्यात्मिक शांति के लिए बेहद अनुकूल है. नाउ सी द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोयम. वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन. कवि कहता है कि वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स, जो व्यक्तियों ने इस जगह मंदिर बना करके देवी की प्रतिमा को विराजमान किया है, स्थापित किया है, वो लोग बड़े ही बुद्धिमान रहे होंगे, क्योंकि यह न तो शोरगुल वाला स्थान है और न किसी व्यक्ति की ये प्रॉपर्टी है, परिक्षेत्र है जो वो बाधा पहुंचाए, अर्थात एकांत में और बिना किसी अधिकार क्षेत्र के, लोगों का हस्तक्षेप नहीं है यहाँ. जिस किसी ने मंदिर बनवा करके देवी की प्रतिमा को स्थापित किया है वो बड़े बुद्धिमान रहे होंगे, ऐसा कभी कहता है. द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम प्योर एलोन रिलीफ रिवील्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मेस्टिक एंड बेयर. कहता है कि जिन लोगों की आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है, वही यहाँ तक पहुँच करके देवी के गुण रहस्यों को, उसकी शक्तियों को समझ पाता है. बाउंडलेस मीन्स अनगिनत, मेस्टिक मीन्स गूढ़ या रहस्य. आवर बॉडी इज एन इपिटोम ऑफ सम वास्ट दैट मास्क इट्स प्रेजेंस बाई अवर ह्यूमनेस इन अस
द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट अ पेज एंड समरी ऑफ द इनफाइनाइट अ नोडस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस्ड लिव इन एन इमेज एंड अ स्कल्पचर्ड फेस। इप्टोम मीन्स होता है सार या निष्कर्ष, और ह्यूमनेस मीन्स होता है मानवतावश, संवेदनापूर्ण ढंग से जब हम मानव मात्र की सेवा करते हैं। सीक्रेट गुप्त, स्पिरिट मतलब आत्मा, इनडाइट मीन्स होता है रचना करना, लिपिबद्ध करना, इनडाइट मीन्स। समरी मतलब सारांश। इनफाइनाइट मीन्स होता है शाश्वत। नोडस मीन्स होता है कठिनाई या उलझन। इटर्निटी मीन्स अनंत काल या शाश्वता। ठीक, इमेज मतलब मूर्ति, और स्कल्पचर्ड मतलब मूर्तिकार जो मूर्तियों को बनाता है। ना उसीदा हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्टेंजा। आवर बॉडी इज एन इप्टोम ऑफ समवास्ट, कहता है कि यह शरीर ही तो हमारा मंदिर है, यह शरीर ही तो हर चीज का सारांश है। दैट मास्क इज प्रेजेंस इज हमारा, अर्थात हमारे शरीर में ही परमात्मा का निवास है, हम हमारे में ईश्वर का अंश है। यह कैसे मालूम होता है कि हमारे में ईश्वर का अंश है? जब हम किसी को दुखी देखते हैं तो हम मनोतावश जब उसकी मदद करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे में ईश्वर का अंश है। इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट, हमारे अंदर जो आत्मा है और आत्मा के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, वह प्रत्येक चीज को हमारी अच्छाई और बुराई को लिपिबद्ध करती है, लिखती है। पेज एंड समरी ऑफ द इनफाइनाइट, यही हमारे जो गुण और अवगुण हैं, वो परमपिता परमेश्वर अपना लेखा जोखा जरूर रखता है कि हमने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है, क्योंकि हर जीवात्मा में आत्मा रहती है और आत्मा में परमात्मा का निवास रहता है। तो हम जो काम अच्छा करते हैं वो हमारे खाते में अच्छे के रूप में लिखा जाता है, और जो काम हम बुरा करते हैं वो खाते में हमारे बुरा काम लिपिबद्ध होता है, लिखा जाता है उसी के अनुसार, अर्थात जैसा हम करते हैं वैसा हमें भरना पड़ता है। अ नोडस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस्ड लिव इन एन इमेज एंड स्कल्पचर्ड फेस, हमारे जो उलझने हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, और हर चीजों की व्याख्या होती है उस परमपिता परमात्मा के द्वारा, और जब उस ईश्वर का एक रूप दे दिया जाता है मूर्तिकार के द्वारा, उस रूप में भी परमात्मा का अंश होता है जो हमारे आत्मा में होती है। उसी आत्मा में बैठी हुई परमात्मा को मूर्तिकार एक रूप देता है, उसका चेहरा बनाता है, जिसकी हम पूजा और अर्चना करते हैं, जहाँ जा करके हमें शांति मिलती है, हमारा मस्तिष्क शांत होता है और हम अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस पोयम में यही कवि ने लिखा है। सारांश में आपको हम बता दें कि कवि इस पोयम में, कवि का भाव सिर्फ में इतना है कि ऊंची पहाड़ी पर बनी हुई जो मंदिर है और मंदिर में विराजमान जो देवी की प्रतिमा है, वहाँ जिस किसी ने इस मंदिर को बनाया होगा वो बड़ा ही बुद्धिमान रहा होगा, क्योंकि अनगिनत सीढ़ियों को जब आदमी चढ़ता है तो चढ़ते चढ़ते उसके आत्मा पवित्र हो जाती है, और वही व्यक्ति मंदिर जाता है जो ईश्वर के प्रति प्रेम और लगन रखता है। तो उस प्रेम और लगन के कारण, अपनी पवित्रता के कारण उस उन अनगिनत सीढ़ियों को चढ़ जाता है और
वहाँ पहुँच करके वो असीम असीम शांति पाता है और उसका मन जो व्यग्र होता है, बेचैन होता है, उसे शांति मिल जाती है। वहाँ का जो मंदिर, जो पहाड़ी पे बनी हुई मंदिरें होती हैं, वहाँ का मौसम, वहाँ का माहौल बड़ा ही अनुकूल होता है ईश्वर भजन के लिए, मन की शांति के लिए। और कवि कहता है कि यह शरीर ही हमारा मन, ये शरीर भी हमारा एक मंदिर है और हमारे शरीर में परमात्मा का निवास होता है, क्योंकि आत्मा वो जो है वो परमात्मा का घर है, निवास स्थान है। हर मनुष्य के आत्मा में परमात्मा निवासरत रहता है, जो उसके अच्छे बुरे का लेखा जोखा रखता है और उसकी वो लिखता रहता है और उसी के अनुसार उसे इस मृत्यु लोक में भोगमान भोगने पड़ते हैं, अब उसके अपने कर्म के अनुसार। इस तरह से कवि इस पोयम में कहता। अब हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इस पोयम में जो क्वेश्चन आंसर है, ये यहाँ पास, राइट डाउन द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ब्रिलियंट, सर्टेनिटी, मिस्टिक, वास्ट, समरी। कंप्लीट द फॉलोइंग मैट्रिक्स, डोंट ट्राई वेयर देयर इज अ क्रॉस। वर्ब बनाना है, नाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, मोबाइल का इसी तरह। तो चलिए हम इनके आंसर यहाँ पास देखते हैं। ये डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, इन डिफ़िकल्ट वर्डों को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, जिससे आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। ये देखिए, एंटोनिम मतलब अपोजिट, आप ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट हुआ डल, ब्रिलियंट मतलब होशियार, डल मतलब आलसी या मंदबुद्धि कहते हैं, मंदबुद्धि। ब्रिलियंट मतलब होशियार, डल मीन्स मंदबुद्धि। इटर्निटी, इटर्निटी मीन्स शाश्वत, जो निरंतर सदैव रहता है। मोमेंट मतलब पल या क्षण, तो इटर्निटी का उल्टा मोमेंट हुआ। मेस्टिक, मेस्टिक मीन्स गूढ़ या रहस्य। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब स्पष्ट। वास्ट, वास्ट मतलब विशाल, नैरो मतलब संकीर्ण। समरी, समरी मीन्स सारांश। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब विस्तृत। अब देखिए, वर्ब बनाना था तो मेडिटेट, मेडिटेट वर्ब हुआ। इसमें आई ओ एन, आई को ई को हटा करके आई ओ एन जोड़ दिए तो मेडिटेशन बन गया नाउन। मेडिटेटिव, मेडिटेटिव भी ई जोड़ दिए, ओ एन को हटा करके भी ई जोड़ दिए तो ये बन गया एडजेक्टिव, मेडिटेटिव। एडवर्ब मेडिटेटिवली, ये एल वाई जोड़ दिए तो एडवर्ब बन गया। नाउन जो एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताता है। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन 10th। ये क्वेश्चन आंसर पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा, उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड लर्न इट। हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, कैसे कोई मंदिर तक पहुंच सकता है। तो वन कैन रीच द टेम्पल, इतना क्वेश्चन में ही है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन आंसर याद करें तो क्वेश्चन को आप सामने रखें तब याद करें, क्योंकि आधा आंसर क्वेश्चन में होता है और जिस वक्त आपके पेपर में रह आएगा तो ये क्वेश्चन सामने रहेगा तो आप देख करके लिख सकते हैं। तो इसमें वन कैन रीच द टेम्पल क्वेश्चन में है। अब आपको याद करना है, ओनली बाई क्लाइंबिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द स्टेयर्स बिल्ड ऑन द हिल्स। ठीक, वन कैन रीच द टेम्पल ओनली बाई क्लाइंबिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द स्टेयर्स बिल्ट ऑन द हिल। कैसे पहुँच सकते हैं, तो पहाड़ी पर बनी मंदिर, बहुत सारी सीढ़ियाँ
सीढ़ियों पर चढ़कर ही मंदिर में पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड द पोएट सी व्हेन ही व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच द टेम्पल, जब कभी मंदिर में पहुंच जाता है तो क्या देखता है, उसे क्या दिखाई देता है। आंसर देखिएगा, व्हेन द पोएट रीच द टेम्पल, ही की जगह पोएट कर दिया है, आप अगर ऐसा भी कर सकते हैं व्हेन ही रीच द टेम्पल। क्वेश्चन में देखिए लिखा है व्हेन ही रीच द टेम्पल, यहां इतना क्वेश्चन में ही है, ही सा द इमूवेबल गॉडेस, जब वह मंदिर में पहुंचता है तो वह इमूवेबल अचल, जो चल फिर नहीं सकती है, एक जगह जो स्थापित है, वो देवी के वो उसे दर्शन होते हैं, देवी को वहाँ वो देखता है। हाउ डिड द पोएट रिएक्ट, द पोएट अप्रिसिएट द विजडम ऑफ द पीपल हु सेट द गॉडेस सो हाई ऑन द टेम्पल ऑन द हिल टॉप, कभी कहता है कि जिन लोगों ने यहाँ पहाड़ी में मंदिर बना करके मूर्ति की, देवी की प्रतिमा की मूर्ति की स्थापना की है, वो बड़े बुद्धिमान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विथ, कवि मानव शरीर की तुलना किससे करता है। द पोएट कंपेयर्स द ह्यूमन बॉडी, यहां तक क्वेश्चन में ही है, विद द यूनिवर्सल सोल, सार्वभौमिक जो सर्व सर्व जगत में है, सर्व जगह सर्व सब जगह विराजमान है, उस आत्मा से मानव शरीर की तुलना करता है, मतलब परमात्मा से मानव शरीर की वो तुलना करता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन बॉडी सर्व्स एज द प्ले फील्ड फॉर द सीक्रेट स्पिरिट, मानव शरीर गुप्त जीवात्मा के कार्यस्थल के रूप में कार्य करता है, मतलब यह शरीर जो है वह भगवान के द्वारा ही प्रेरित है और गुप्त रूप से उसी के आदेश अनुसार वो कार्य करता है। व्हाट डज द पोएट से इन द लास्ट 2 लाइन्स, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आप लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कर दीजिए।